हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियोस देखिए सबसे पहले और बिल्कुल फ्री। तो भी बहुत परिश्रम करना होता है, इधर उधर व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी ये आपको लगे कि अब अनिवार्य हो गया तो हम आपके साथ खड़े होंगे और आपको मदद करेंगे। और यहाँ बैठे हुए हैं आचार्य आशीर्वादम आचार्य। ये कौन है? ये एक दिन रात को 9 बजे आया मेरे घर में, घंटी बजाया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम आशीर्वादम है और मैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री में मंत्री का सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहा राजा का? उन्होंने कहा हाँ, मैं दुखी हूँ इसीलिए मैं आया हूँ। और मुझे, मैंने उनको घर अंदर बुलाया और उसके कारण 2G किसी के खुलासा के कारण है तो इसके कारण। इसकी हत्या करने की आदेश दी थी चिदंबरम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिक्योरिटी दे दी, बच गए। सारा तैयारी थी, इसको सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए। CBI ने इनको विटनेस बनाने चाहे तो CBI ने कहा इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चिदंबरम कहा नहीं नहीं नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, उसके बाद जरूरत नहीं होगी, ये कहा था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से इनको सिक्योरिटी दिलाई। और अब मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं रहेगा कि मैं गोपी कृष्णन का परिचय नहीं कराऊँ। तो गोपी कृष्णन वहाँ बैठे हुए छिपे रुस्तम, इनको पटाने के लिए कितने लोग पीछे लगे, लेकिन इनका जो यानी समर्पण है इसमें, इस भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो लेख लिखता है, इनको तो किसी भी बड़ा अखबारों में या चैनल में लेने के लिए तैयार हैं। यदि वो ये बुरी आदत छोड़ दें कि दूसरों का नुकसान यानी भ्रष्टाचार का बोल खोलें, तो ऐसे लोग हमारे देश में हैं। और इसीलिए उससे उत्साह बन के, उत्साह लेकर हमें सोचना चाहिए, देश का भविष्य है और जो करते हैं उनको समर्थन, जो अपनी अपनी सीमा के अंदर उनके समर्थन करनी आवश्यकता है। इसीलिए हमने आज ये पुस्तक का विमोचन किया और हमने जो हमारे आज योद्धा तैयार हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, और विराट हिंदुस्तान संगम इसीलिए हमने बनाई कि ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करें जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं और अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। वैसे लोग इस देश की निर्माण में शुद्धिकरण लाने के लिए ये खड़े हो सकते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने में लगे। इसीलिए आज मैं इन सबको बधाई देते हुए कहता हूँ इस पुस्तक को लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी अनुवाद भी कराइए हिंदी में, तमिल में, ऐसे और इसको फिर हम और विस्तार से बांटेंगे और आगे भी और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हमारे। अब जो दस्तावेज हमारी जो सूटकेसेस में करेंसी नहीं भरा हुआ है परंतु फाइल्स भरे हुए हैं और वो फाइल्स एक एक निकाल करके सबको ठीक करेंगे कहकर सबको नमस्कार और धन्यवाद।